नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय सभी लॉकडाउन में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने कुछ सेवाएं दी हैं, मैं उन्हीं सेवाओं के बारे में आज आपको बताऊंगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में उन सभी लोगों के लिए एक राहत कोष जारी किया है जो लोग ई रिक्शा, प्राइवेट कैब और लोडिंग गाड़ी चलाते थे। सरकार उन सभी के अकाउंट में 5,000 यानी कि 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रही है, बट इस अमाउंट को पाने के लिए आपको छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको आगे की सभी वीडियोस मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि हमें फॉर्म को कैसे भरना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरी रहेंगी और रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, PSV बैज नंबर होता है, मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल का OTP आएगा, आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, देन अप्लाई करना होगा। ये करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। ये DL नंबर होगा, आपको DL नंबर डालना होगा, और एक बैज नंबर होता है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तब ये मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले ये रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो डेफिनेटली आपको ही मिलेगा। तो ये बैज नंबर भी होना ज़रूरी है। तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक को फॉलो कीजिएगा। इस लिंक पे आप ये लिंक वहाँ पे डालिएगा तो ये साइट यहाँ पे इसकी खुलेगी। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे DL नंबर आपको डालना है, यहाँ पे DL नंबर मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे बैज नंबर आपको डालना होगा। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है जिसमें OTP आप ले सको। ठीक, तो ये मोबाइल नंबर भी टाइप कर दिया है और यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ OTP आएगा, आपको वो OTP नंबर यहाँ डालना है, वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास OTP आ गया है और मैंने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है, और ये एंटर करते के साथ ही आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फिर ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ मिल जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, OTP नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 मिनट तक वैलिड रहेगा। अगर आप ज़्यादा लेट कर दोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको अगेन मोबाइल नंबर डाल के अगेन OTP जनरेट करना होगा। तो ये आपको थोड़ा जल्दी से करना होगा, अदरवाइज़ वो पहले वाला OTP एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो ये आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप आधार नंबर मांगेगा, और यहाँ पर आपने आधार नंबर टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप करना है, देन यहाँ पे जेंडर सबमिट। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं टाइप करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने आधार नंबर यहाँ पे फीड कर दिया है, और यहाँ पे अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जिसके जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो ये मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फीड कर दी, देन यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल। तो ये बस आपको वो डिटेल डालने के बाद, यानी फर्स्ट वो डिटेल, ये डिटेल डालने के बाद आपने आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बस ये डाल के आपने सबमिट कर देना है। तो ये फाइनली आपका एक यहाँ पे एक डिटेल आ जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैज नंबर, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल। एक बार वेरीफाई नहीं करने के बोला कि जो डिटेल आपने डाली है वो करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर आपने एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री कर देना है, और उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये फाइनली सबमिट हो गया। सो योर एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली बाय रेफरेंस नंबर सो एंड सो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी से स्टेप है। इसके थ्रू आप जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं या जो कैब चलाते हैं, जो लोडिंग गाड़ी चलाते हैं, तो वो सरकार की इस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और एक छोटा सा फॉर्म है, बस आपको DL, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और बैज नंबर
और आधा नंबर ये चीज़ डिटेल्स वगैरह फीड करनी है, इसके बाद आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो अमाउंट है जैसे ही वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के कुछ टाइम बाद, कुछ डेज में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे उन लोगों को ज़रूर भेजें, जो लोग आगे भी शेयर करो, जिससे कि जिस जो भी ई रिक्शा चलाता है या अगर कोई पर्सन कैब चलाता है या कुछ और लोडिंग गाड़ी चलाता है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।